जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है प्रीलिम्स के ऊपर, कि प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी है जिससे कि आपका जो सिलेक्शन का चांस है वो बढ़ जाए। क्योंकि कई बार होता ये है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं बट एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं हमें मालूम होती, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन कई बार बहुत ही लेट होता है। मतलब आप 3-4 अटेम्प्ट दे लेते हैं उसके बाद होता है, या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो पाए। तो इसलिए आपको एक अच्छी रणनीति पहले से ही बना के रखना है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जो प्रीलिम्स होता है ये फर्स्ट स्टेज होता है यूपीएससी एग्जाम का, इसे क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए हम बात करते हैं स्ट्रेटजीज की जिनको हम फॉलो करना चाहिए हमें, और उसके बाद हमारा सिलेक्शन जो है कई गुना बढ़ जाता है उसका चांस। तो चलिए बात करते हैं जो बच्चे नए उनके बारे में। जैसे जो लोग नए से मतलब नए हैं जो यूपीएससी की तैयारी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको करना क्या है, उनको ये करना है कि वो सबसे पहले सिंपल सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। सिंपल सब्जेक्ट इन द सेंस जो उन्हें अच्छा लगता हो, जो उन्हें आता हो पहले, जिनमें उन्हें कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत हो, ये सब्जेक्ट हमें थोड़ा बहुत आता है, ऐसे सब्जेक्ट से उन्हें स्टार्ट करना। इससे क्या होगा, जब उनको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट रहेगा उस सब्जेक्ट के ऊपर तो उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। उसको पढ़ेंगे तो उनको जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, जब उनको समझ में आएगा तो उनको थोड़ा सा मोटिवेशन फील होगा, उनको लगेगा हाँ हम कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है इसलिए क्या करना क्या है, सबसे पहले सिंपल सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको सबसे पहले आता हो, उसके बाद जो है हार्ड सब्जेक्ट को बाद में पढ़ना है। ये हो गया पहला स्टडी जो बच्चे नए उनके लिए। अब हम बात करते हैं कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले उनको प्रीलिम्स के लिए जो भी मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं, थर्ड लेवल पढ़ाई की बात है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके लिए आपको एक पास एक प्लान होना चाहिए। मतलब जैसे कि कल आपको जो पढ़ना है आप उसके बारे में एक दिन पहले ही प्लान बना लीजिए। प्लान रहेगा आपके पास तो आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ मुझे आज ये पढ़ना है तो आप उतना पढ़ेंगे। ये नहीं करना आपको प्लान बहुत ज़्यादा बना ले, प्लान उतना ही बनाइए जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि उतना प्लान रहेगा तो आपको ये लगेगा हाँ मैंने इतना बनाया था, इतना मैंने पढ़ लिया। बहुत ज़्यादा बना लेंगे नहीं कर पाएंगे तो आप कई बार जो है डिमोटिवेट भी होंगे, इसलिए प्लान उतना ही बनाना है जितना कि आप कर सकते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरी बात ये है कि जो भी आप जब भी प्रीलिम्स के लिए तैयारी करें, क्योंकि आजकल का एग्जाम का ट्रेंड देखते हुए आपको डीप लर्निंग करना है। डीप लर्निंग इन द सेंस कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को जो आप पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं केवल पढ़ने का जो है वैसे आप ऊपर ऊपर से देख ले रहे हैं, आपको उसको अच्छे से समझना है कि क्या बोल रहा है ये लाइन में। मतलब उसको आप अच्छे से पढ़िए एकदम अच्छे से कि आपको उसका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ऐसा आपको करना मस्ट है। डीप लर्निंग आप करें क्योंकि प्रीवियस जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन देख रहे हैं यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का है बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है, तो इसलिए आपको डीप लर्निंग करना मस्ट है। अब हम बात करते हैं जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो उससे पहले आपके पास एक टॉपिक वाइज सैम्पल पेपर होना चाहिए, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। क्योंकि जब आपके पास ऐसा कोई सैम्पल पेपर होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर होगा तो आपको ये पता रहे कि ये टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप उसको सॉल्व करते हैं पहले आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या पूछा गया, तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए। उसके बाद जब आप उस टॉपिक को पढ़ लें तो उसके बाद जो है आपको ये भी देखना है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, इसलिए आपको ऐसा एक प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन पेपर रखना मस्ट है। अगर आपके पास कोई अच्छी बुक्स नहीं आपको पता है तो मैं आपको एक बुक बता देता हूँ, ओसवाल का आता है जो है ओसवाल बुक का यूपीएससी के लिए प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन पेपर टॉपिक वाइज आता है, तो आप उसको ले लीजिए अपने पास, उसको आप ले लीजिए उससे आप पढ़ाई कीजिए। जैसे मैंने रखा हूँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मेरे पास ये ऐसी बुक आती है ओसवाल बुक की 29 ईयर्स का जो है यूपीएससी का जो है प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। सॉल्व क्वेश्चन पेपर रखने से क्या फायदा होगा आपको, टॉपिक वाइज आपने जैसे कि आप कोई टॉपिक पढ़े आपको नहीं सॉल्व मतलब आप उसका क्वेश्चन कर रहे हैं आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन बुक में भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि आपको जो है इस ये टॉपिक वाइज सॉल्व रखने से क्या फ़ायदा होगा, जब आपके पास सॉल्व क्वेश्चन पेपर होगा तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ जैसे आपको नहीं समझ उसको आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, आपको ये पता चल जाए कि आपने अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आपसे क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। अगर नहीं बन पा रहा है या फिर बन पा रहा है तो आप इसका जो है सैम्पल पेपर में जो ये दिया हुआ है टॉपिक वाइज मतलब एक्सप्लेनेशन दिया आप उसको भी देखें क्या एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी वर्क होता है बुक बनाने के पीछे, तो आप इसको देखिए। दोस्तों इसमें फ़ायदा क्या होगा, इसको आप लेंगे तो इसमें जो है आपका जीएस पेपर भी कंप्लीट हो जाता है, सी साइड भी कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हैं मतलब टॉपिक वाइज जैसे मॉडर्न इंडिया से 1600 1700 57 तक जो क्वेश्चन पूछा गया सब यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 22 में पूछा गया है
ये जो है 2021 में पूछा गया, ऐसे 2020 में पूछा गया, 2010 में पूछा गया, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे गए सब यहाँ पे दिए हुए, इसका साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देखे दिया हुआ है कि क्या एक्सप्लेनेशन है इसका, मतलब जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा आप उसका एक्सप्लेनेशन भी देखिए कि क्या है। तो आप ऐसा एक बुक ले लीजिए जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। इसके साथ साथ आप सीसाइड भी देख सकते हैं, यहाँ पर सीसाइड भी जो है सीसाइड के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, सीसाइड का भी सब दिया हुआ है। तो आप इसको ले लीजिए और आप इसके मतलब इसको अपने पास रखिए और उसके बाद पढ़ाई कीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आप टॉपिक वाइज, एक बार आप टॉपिक वाइज जब कर लेते हैं, जब आपका कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखना है। जब आपका एक बार कोई सब्जेक्ट क्लियर हो जाए, आपने जैसे पॉलिटी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया उस सब्जेक्ट से, उसके बाद आप उसको सॉल्व करने की कोशिश, आप देखिए उसको सॉल्व होता है आपसे कि नहीं होता है। तो ऐसे वो सवाल का जो है सॉल्व पेपर भी आता है प्रीवियस ईयर का, जनरल स्टडीज पेपर वन के लिए ऐसा बुक आता है, इसमें जो है जो भी क्वेश्चन दिए हो, जैसे 2020 में जो एग्जाम में पूछा गया, 2023 में अभी जो लेटेस्ट वाला है वो भी इसमें दिया हुआ कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पेपर है, ऐसे मतलब 10 ईयर का है ये कहाँ से कहाँ तक का है, 2024 एग्जाम के लिए पहली बात तो है, मतलब प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन है इस, मतलब ये तो जीएस पेपर वन के लिए हो गया और इसी के साथ साथ आप ऐसे जीएस पेपर टू के लिए मतलब सीसेट के लिए भी ले लीजिए। ये 3 बुक तो आपके पास होनी चाहिए, मस्ट है, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी करना है, आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं प्रीवियस ईयर का, ये तो बहुत गलत बात है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर रखें साथ में, टॉपिक वाइज भी और मतलब बिना टॉपिक मतलब पूरा पेपर भी रखिए। तो इससे फायदा क्या होगा कि आप जो भी पढ़ेंगे आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप उसको फिर से पढ़ेंगे, और जब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बने तब तक आप उसको पढ़ते रहिए। ये करना है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जो अपने पास रखना है। तो इसके लिए आप जो है टॉपिक वाइज जो है मतलब ये टॉपिक वाइज भी रखिए और वैसे भी रखिए। तो दोस्तों इन बुक्स का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ आप वहाँ से जाकर इसको परचेज कर लीजिए। ये बुक्स आपके पास होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ये बुक्स जो है परचेज कर लीजिए पहले ही। इसके अलावा दोस्तों जो आपको करना है वो क्या करना है, जो भी आपने टॉपिक पढ़ लिया, क्योंकि इतना तो है ना आप रिविजन टाइम आपका उतना टाइम रहेगा, तो आप उसका एक शॉर्ट नोट बनाइए, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है आप उसका एक शॉर्ट नोट बनाइए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि आपको रिविजन करते वक्त बहुत ही कम टाइम में पूरा जो है रिवाइज कर सकें आप। आप उससे शॉर्ट नोट बनाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा, आपको पता है मैंने कैसे बनाया है, आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, और आप कोशिश ये करिए कि रिवाइज 1 महीने एक बार आप उस कर लें। तो ये हो गया। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट कोई जैसे कोई सब्जेक्ट आपको लगता है कि आप इसको नहीं पढ़ सकते हैं, ये बहुत हार्ड है, तो उस सब्जेक्ट में जो है आप रिव्यू से क्वेश्चन देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को एटलीस्ट पढ़ लीजिए, रिव्यू से क्वेश्चन आप देख लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इतना जो है आपको करना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपको पढ़ लेना, जिस सब्जेक्ट को आप बोला था इस सब्जेक्ट को आप नहीं पढ़ सकते उस सब्जेक्ट का एटलीस्ट आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो पढ़ ही लीजिए। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज थे प्रीलिम्स के लिए। पहला क्या था, आपको सिंपल से स्टार्ट करना है, सबसे पहले हार्ड वाला जो है सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, उसके बाद आपका प्रॉपर प्लान होना चाहिए आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है। तीसरा आप डीप लर्निंग कीजिए, अच्छे से पढ़िए किसी सब्जेक्ट को मतलब बारीकी से एकदम, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखिए टॉपिक वाइज भी और बिना टॉपिक मतलब वैसा भी सैंपल पेपर के थ्रू भी। इसके बाद आप शॉर्ट नोट बनाइए, जो भी आपने पढ़ा उसका एक शॉर्ट नोट होना चाहिए रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। उसके बाद आप जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा टफ है ये, इसको आप इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हेल्प के थ्रू, उसके बाद आप उसको एटलीस्ट पढ़ लीजिए। तो ये कुछ स्ट्रेटजी थी जिसको आप फॉलो करते हैं अगर तो आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन का चांस है वो कई गुना बढ़ जाता है, मतलब आप बाकी एस्पिरेंट से कई गुना ज़्यादा लाभ अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस जो है ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट अब था जिसको आपको मुझे बताना था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।